आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिवरात्रि स्पेशल। आज शिवरात्रि है, सावन का सबसे खास दिन। तो किस विधि विधान से करें आप शिव भगवान की पूजा ताकि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो सके, ये हम आपको बताएंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। शिवरात्रि का अपना एक अलग महत्व है और इसी महत्व को जानने के लिए, समझने के लिए और आप सभी को बताने के लिए हम शिव मंदिर में आ चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कि शिवरात्रि इतनी ज़्यादा खास क्यों है और आखिर सावन की शिवरात्रि में जो शिव भगवान थे उन्होंने क्या कुछ ऐसा किया था जो भक्त आज भी उन्हें इस तरीके से पूछते हैं। तो मंदिर में हमारे साथ पुजारी जी भी मौजूद है और आज हम शिवरात्रि की जो पूजा अर्चना करेंगे आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर इसका कितना महत्व है। से पूछना चाहूंगी मैं कि शिवरात्रि का जो है, आज शिवरात्रि है, कितना महत्व है अपने आप में ये शिवरात्रि? भगवान शिव की आज यानी आज के दिन जो पूजा है, श्रावण के महीना पूरा ही शिवमय है। पूरे महीने में पूरा जो है कभी भी इसमें, और ये जो है 2400 घंटे, ये नहीं है और देवताओं की पूजा टाइम से होती है, लेकिन भगवान शिव अवधूत हैं और अवधूत पूजा होती है इनकी। उनमें कोई भी 2400 घंटे में कोई ये नहीं है कि इस टाइम नहीं होनी चाहिए, इस टाइम होनी चाहिए। भगवान शिव की 2400 घंटा पूजा होती है। आप किसी भी मंदिर में जाओगे, सभी के दरवाजे होंगे, लेकिन शिव मंदिर में आपको कहीं भी दरवाजे नहीं मिलेंगे, क्योंकि अवधूत पूजा है। कभी भी कोई भी आके और किसी भी समय पूजा कर सकता है, यानी कि शिव जी की पूजा किसी भी वक्त की जा सकती है। और श्रावण का महीना इसमें सबसे श्रेष्ठ महीना माना गया है भगवान शिव की पूजा के लिए, जिसमें शिवरात्रि को तो बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। उस दिन भगवान शिव का अभिषेक करना सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए होता है। भगवान शिव का अभिषेक, भगवान के विधि से पूजा करना, भगवान शिव का अभिषेक करना, उनकी जो भी पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन की शिवरात्रि, साल में दो बार शिवरात्रि आती है, तो इस वाले शिवरात्रि में ऐसा कुछ खास क्या है? क्योंकि कहा जाता है कि जो फरवरी और मार्च में शिवरात्रि आती है उस टाइम शिव जी और पार्वती जी की शादी जो थी वो हुई थी, लेकिन इस वाले शिवरात्रि का क्या है? इस शिवरात्रि में भगवान शिव ने, भगवान शिव का जो है का विवाह तो हुआ था उसमें फागुन की शिवरात्रि के दिन। इस शिवरात्रि में उन्होंने जो सभी जो है का यानी देवताओं की प्रसन्नता के लिए सभी देवताओं ने उनकी पूजा की थी श्रावण के महीने में। शिव जी के यानी जो राक्षसों ने जिस समय देवताओं पर चढ़ाई कर दी थी, तो उस समय श्रावण का महीना था, श्रावण के महीने में, और उसके पूजा के यानी शिवरात्रि को इस वजह से मनाया जाता है क्योंकि देवताओं की जो देवताओं को राक्षसों ने विहीन कर दिया था देव स्थानों से, तो भगवान शिव ने शिवरात्रि के दिन देवताओं को स्थान को प्राप्त कराया था। तो भगवान शिव ने जैसे देवताओं को स्थान प्राप्त कराया था, शायद उसी की मनोकामना के लिए आज भी जो सावन में कावड़िया, जो कावड़िया लेकर आते हैं और जाते हैं। हाँ, जो कावड़िया किसका प्रतीक है? कावड़िया भी भगवान शिव की पूजा के लिए ही आते हैं। सबसे पहले भगवान शिव की पूजा कावड़ के रूप में राम जी ने चढ़ाई थी, तो राम जी सबसे पहले कावड़ लेके आए थे। राम जी ने जब पूजा की है रामेश्वर की, उस समय जो है कावड़ का जल लाके और उसकी पूजा की। पहले ऐसा था कि महिलाएं बहुत कम थी जो कावड़ लेकर नहीं आती और जाती थी, लेकिन आजकल खासकर अभी देखा जाए तो महिलाएं भी उतना ही योगदान दे रही हैं, कावड़ियां ला रही हैं। तो इसके पीछे कुछ खास ऐसा कि हाँ, जो शिव भगवान है मनोकामनाओं को लेकर या लोगों का विश्वास ज्यादा बढ़ा है भगवान को लेकर? भगवान शिव केवल जो भी है इसमें महिलाएं हैं या पुरुष,
भगवान शिव की पूजा सब कर सकते हैं, और इसमें ये नहीं है जैसे हनुमान जी की पूजा महिला नहीं करती, इस भगवान शिव की पूजा चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी सन्यासी हो, योगी हो, कोई भी हो, भगवान शिव की पूजा सभी करते हैं। तो अब पहले तो पुरुष लोग चलते थे उनको देख के, अब महिला भी, क्यों, मनोकामनाओं तो सभी की होती हैं, वो अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए जाती हैं। यानी कि जो भोलेनाथ हैं वो बहुत ही भोले हैं और सभी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसी की खास वजह है कि जो महिलाएं हैं वो भी अब कांवड़ लाने और जो शिव जी हैं उनको जलाभिषेक करने से पीछे नहीं हटती। शिव जी को भोलेनाथ बोला जाता है, बोला जाता है कि मतलब प्यार के जो है प्रतीक है ये, इनको गुस्सा नहीं आता, लेकिन अगर इन्हें गुस्सा आता है तो बहुत जल्दी शांत भी हो जाता है, ऐसा कुछ? भगवान शिव को भोले हैं, थोड़ी ही पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं, और गुस्सा आता है तो ऐसा आता है कि वो भस्म भी कर देते हैं। नेत्र, तीसरा नेत्र गुस्सा का ही प्रतीक है, अगर वो नेत्र खुल गया तो आदमी को भस्म, भस्मासुर को भी उनने केवल इसी वजह से ही भस्म किया था। शिवरात्रि पर ऐसी कुछ खास पूजा विधि जिससे लोगों की जो है मनोकामनाएं पूर्ण हो, और ऐसा कुछ खास कि शिवरात्रि पे हम सभी कर सकें? भगवान शिव की पूजा में सबसे मेन जो है रुद्राभिषेक होता है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक जो भी मनुष्य करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव का रुद्राभिषेक कई प्रकार से होता है, दूध से रुद्राभिषेक होता है, वो समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए होता है। कोई आदमी या गन्ने के रस से करवाता है तो वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है। कोई आदमी तेल से करवाता है, लेकिन तेल से नहीं करवाना चाहिए, वो शत्रु मर्दन के लिए होता है, और हम नहीं चाहते कि कोई भी शत्रु का मर्दन हो, क्योंकि शत्रु भगवान शिव, तो प्रार्थना करो कि भगवान शिव से कि भाई मर्दन मत करो किसी का, शिव से प्रार्थना करो प्रभु हमारा जो काम है वो सिद्ध हो। तो जलाभिषेक के अलावा और कुछ विधि विधान जो आपके सामने अभी विधि प्रस्तुत करते हैं हम, उसी प्रकार से पूजा होगी। तो आप सभी को हम दिखाने जा रहे हैं या कि जो शिवरात्रि का जो एक पर्व है सावन के महीने में, जो बेहद ही खास है हम सभी के लिए, हमारी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तो पूजा विधि विधान सभी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि आखिर कैसे आप शिव को यानी कि भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। जो माथे पे चंदन लगता है उसके अलावा ये जो कच्चे चावल लगाए जाते हैं उसका कुछ एक अलग महत्व होता है? देखिए, मस्तक पर कोई भी पूजा हो तिलक जरूरी होना चाहिए, बगैर तिलक के पूजा करना निषेध माना गया है। तो तिलक में चावल का जो प्रयोग किया जाता है, चावल अक्षत यानी कोई भी चीज की क्षति नहीं हो, उसी प्रकार इसको अक्षत रूप में मस्तक पर लगाते हैं। अच्छा, ये कहा भी जाता है कि जो शिव जी हैं उनको अक्षत जो है वो काफी पसंद है, इसलिए उनकी पूजा में अक्षत का होना अहम माना जाता है। देवताओं की कोई भी देवता है, सारे देवताओं को अक्षत प्रिय हैं। भगवान विष्णु की, भगवान शिव की, गणेश की कोई भी पूजा हो, सब में अक्षत जरूरी होते हैं। इसका खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि पूजा शुरू होने से पहले आप टीका यानी कि चंदन जरूर लगाएं और अक्षत भी जरूर लगाएं ताकि आपकी जो पूजा है वो संपन्न हो सके। तो आइए और भी देखते हैं कि इसके बाद हम कैसे विधि विधान से शिव जी की पूजा कर सकते हैं। जो एक बार हुआ, अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार।
पूजा विधि में सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो होती है सामग्री की, कि सामग्री क्या होनी चाहिए। वैसे कहा तो ये जाता है कि पूजा के लिए सिर्फ चार चीजों का होना बहुत जरूरी होता है, श्रद्धा, भक्ति, धूप और अगरबत्ती। लेकिन और कुछ क्या है भोले बाबा के खास, जिनको चढ़ाकर आप भोलेनाथ को खुश कर सकते हैं? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सामग्री है उसके तौर पर मिठाइयाँ हैं, बेलपत्र हैं, और मैं पूछना चाहूंगी कि क्या कुछ ऐसा खास है जो भोले बाबा को चढ़ाना चाहिए और जिससे शायद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाए? भगवान को चढ़ाने के लिए वैसे तो भक्ति भाव ही सबसे पहले है, लेकिन इसके बाद भी भगवान की कुछ प्रिय चीजें हैं, जैसे ये आठ धतूर के पुष्प हो गए, बिजिया हो गई, बिल्व पत्र हो गया, ये धतूर का फूल। हाँ, तो ये है धतूर और ये धतूरे का फल, ये भगवान शिव को काफी प्रिय है और ये हमेशा उन्हें चढ़ाया भी जाता है। और ये है भांग। वैसे कहा तो ये जाता है कि भांग जो होता है वो नशे का सामान होता है, लेकिन भांग शिव जी को चढ़ाने का कुछ खास महत्व? भगवान शिव पे बिजिया का इसलिए महत्व है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, विष निकला था, तो विष का पान किसने किया? भगवान शिव ने। जब विष में से कुछ छलका, कहीं कहीं जो बिंदु गिरे हैं, उससे बिजिया बनी है, तो इसलिए भगवान शिव को प्रिय है। तो भगवान शिव को धतूरा क्यों प्रिय है ये भी हमने जाना, और कुछ ऐसा खास? ये बेल पत्र है, बिल्व पत्र भगवान शिव का ही स्वरूप है। जैसे भगवान के तीन नेत्र हैं, तो उसी प्रकार से बिल्व पत्र में तीन पत्ते होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस बेल पत्र में भी तीन पत्ते हैं और ये भगवान का स्वरूप ही माना जाता है, इसलिए इसको चढ़ाना बिल्कुल भी नहीं भूल सकते आप। तो अगर आप इसको चढ़ाएंगे तो शिव जी की जो कृपा है वो आप पर जरूर बरसेगी। और कुछ ऐसा खास पुजारी जी जो शिव जी को बेहद ही प्रिय है और हमें चढ़ाना भी चाहिए? देखिए, श्रद्धा भक्ति से कोई भी पूजा कभी भी कैसे भी करो, तो भगवान तो भोलेनाथ हैं, श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। और चढ़ाने के लिए तो कुछ भी चढ़ाएं, स्वर्ण चढ़ाएं, आभूषण चढ़ाएं, वो तो भगवान शिव के लिए प्रसन्नता के लिए कुछ भी चढ़ाएं। बाकी सबसे प्रिय उनके लिए बेलपत्र, आर्क, धतूर पुष्प, ये जो है का सबसे प्रिय माने गए। यानी कि जो ये सामग्रियां हमने आपको दिखाई, इनमें जो सबसे ज्यादा खास था वो यही था कि आप ये सारी चीजें चढ़ाकर शिव जी को खुश कर सकते हैं। मंत्र उच्चारण हर पूजा विधि में खास माना जाता है, मंत्रों का जो उच्चारण है, शिव जी का ऐसा कौन सा मंत्र है जिसे बोलकर हम शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं? एक ही महामंत्र है, ओम नमः शिवाय, जिसको बड़े शांत भाव से भगवान को उनका जो है स्मरण करते हुए आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। यानी शिव जी यानी कि शिव भगवान का जो खास मंत्र है वो है ओम नमः शिवाय। तो आप ओम नमः शिवाय बोलकर शिव भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और पूजा की विधि जो हम आपको करवा रहे हैं कि ये जो पूजा की विधि है, ये सारी चीजें करने से आप शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय बोलकर शिव भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और पूजा की विधि जो हम आपको करवा रहे हैं कि ये जो पूजा की विधि है, ये सारी चीजें करने से आप शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सावन का जो सोमवार है वो भी बेहद खास है, शिवरात्रि भी बेहद खास है, पूरा महीना ही खास है। बाकी प्रदोष व्रत जिसमें आता है, प्रदोष को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। सावन का महीना हो या कोई भी प्रदोष हो, भगवान शिव के पूजा के लिए प्रदोष बहुत श्रेष्ठ माना। मैं पूछना चाहूंगी कि हर वर्ग के लिए कुछ ऐसी खास पूजा होती है? कहा जाता है कि जो सावन का जो ये सोमवार का व्रत करते हैं वो कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष फलदायक है। देखिए, सोमवार जो भी है श्रावण के, सभी के लिए विशेष फलदायी है, कुंवारी कन्याओं के विवाह के लिए बहुत श्रेष्ठ माना गया है। और जैसे मंगला गौरी का व्रत, श्रावण में मंगला गौरी के भी व्रत होते हैं जिसमें माँ पार्वती जी की पूजा होती है, वो सौभाग्य के लिए बहुत बढ़िया है। यानी कि सोमवार का जो व्रत है वो आप करके एक अच्छा वर जरूर पा सकते हैं। तो शिव भगवान की जो कृपा है वो इस पे भी है कि आप 16 सोमवार कीजिए या फिर सावन के जितने भी सोमवार आते हैं। और मंगला गौरी का जो व्रत है वो मंगलवार को, जो मंगला गौरी का व्रत है वो भी सावन में ही किया जाता है। 16 व्रत होते हैं इसके, जो 4 साल लगातार व्रत करते हैं
उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि ऐसे क्या कुछ उपाय हैं जिन्हें कर आप शिव भगवान को खुश कर सकते हैं। बेरोजगारी, पूजा अर्चना की, साथ में अब सबसे पहला जो काम है वो है उनको जलाभिषेक कराना, तो वो हम अब आपको करा रहे हैं। तो आप भी ध्यान से देखिए कि जलाभिषेक कैसे और किस तरीके से करें ताकि जो शिव जी की कृपा है वो आप पर बनी रहे। शिवरात्रि का व्रत है और महिलाएं शिवरात्रि का व्रत ना करें या फिर पूजा विधि विधान से ना करें ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक घर में जो महिलाएं होती हैं वही बहुत ही अच्छे और विधि विधान से पूजा कर पाती हैं, क्योंकि पुरुषों को इतना कुछ टाइम नहीं होता। तो शिवरात्रि का त्यौहार है तो कैसे कुछ मनाया आपने, विधि विधान का खासा ख्याल रखती हैं आप शिवरात्रि में? जितना अपने से हो जाता है उतना पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छी तरह से भगवान जी की पूजा करें, और रुद्राभिषेक आज जैसे पंडित जी ने कराया तो साथ में हम लोगों ने किया। और तो इस पे आपने शिवरात्रि का व्रत भी रखा है? हाँ जी, शिवरात्रि का व्रत रखा है। क्या कुछ भगवान से मांगा? कहते मनोकामना बताते नहीं। हाँ जी, तो आप मुझे अपनी मनोकामना नहीं बताने वाली? तो विधि विधान का खासा ख्याल रखती हैं आप शिवरात्रि के व्रत? हाँ जी। कावड़ का जो विशेष महत्व है, कावड़ लेने कोई जाता है आपके घर से? हाँ जी, मेरे जेठ गए हुए हैं, गए हुए हैं, आ गए, कल आ गए थे। यानी कि विधि विधान से पूजा का है वो खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि जो भोलेनाथ है वो अपनी कृपा हर भक्त पर यूं ही बरसाते रहते हैं। तो ये तो हमने शिव जी का जलाभिषेक भी करा और शिव जी की जो पूजा है वो विधि विधान से पूरी भी करी और आरती भी करा। इसके बाद भी अब पंडित जी से मैं कुछ ऐसे सवाल पूछूंगी, यानी कि जो आपके मन में भी ये सवाल आते हैं कि शिव जी को खुश करने के तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन ऐसी कुछ खास क्या बात है जिससे शिव जी जो है वो गुस्से में भी आ सकते हैं? तो हमने अभी तक तो ये जाना कि भगवान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, खासकर जो शिव भगवान है उनकी पूजा अर्चना में क्या कुछ ज़रूरी है, किस चीज़ का खास ख्याल रखें, लेकिन कहा जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनसे भगवान को क्रोध आ जाता है जल्दी, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें नहीं करना चाहिए खासकर शिवरात्रि के मौके पर? देखिए, भगवान शिव को भोलेनाथ हैं, थोड़ी ही पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन क्रोध की तो भगवान भोलेनाथ क्रोध तो बहुत कम करते हैं, भक्तों को कभी भी नाराज नहीं करते, फिर भी भगवान शिव की पूजा करते हैं जो लोग, उनको अवश्य खाना नहीं, भोजन करना चाहिए,
कोई भी गलत काम नहीं करने चाहिए, ये जो कर्म है वो ही भगवान शिव को रुष्ट करने वाले हैं। अवक्ष भोजन करना, किसी की झूठी गवाही देना, किसी को झूठ बोलना, ये भगवान शिव को क्या सभी को नाराज करने वाली चीजें हैं, उससे ही रुष्ट होते हैं। यानी कि जो पूजा है वो सच्चे मन से करनी चाहिए, तभी जो शिव भगवान है वो आपकी पूजा को स्वीकारेंगे। तो कहते हैं कि जो मन होता है वो शांत होना चाहिए शिव की पूजा अर्चना करते समय या किसी भी भगवान की पूजा अर्चना करते समय। सावन का महीना, शिव की पूजा अर्चना, कितना शांत मन। वैसे तो ये मौसम ही बहुत शांत होता है, इसी वजह से भगवान शिव की पूजा इस एक महीने में विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि भगवान पर उनका जो एक शब्द है, शब्द क्या है उसको मंत्र और महामंत्र कहा जाता है, ओम, जिसके अंदर अपने आप में पूर्णतः शांति है। इसीलिए भगवान पर शिव की पूजा को श्रावण के महीने में श्रेष्ठ माना गया है। दूसरी ये है कि मौसम के अनुरूप, क्योंकि इस समय पे अब तो थोड़ा सा कम हो गया है, नहीं तो पहले बड़ी धीमी धीमी बारिश हुआ करती थी जिसमें मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ करता था, तो भगवान की पूजा में एक विशेष आनंद आता था उसमें। अब समय का परिवर्तन हुआ है, लेकिन फिर भी भगवान शिव की आराधना और भगवान के मंत्रों में और भगवान के मंत्रों के अंदर वो शक्ति है जो अपने आप में एक शांति और एक ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि ये एक शब्द शक्ति है। तार्किक रूप से अगर वैसे कहें कि वैज्ञानिक रूप से अगर इनको देखा जाए तो ये हमारे अंदर शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं जिससे कि हम किसी भी नेगेटिव एनर्जी में नहीं आते, क्योंकि जहां आदमी नेगेटिव एनर्जी में आएगा तो वहीं पर जाकर के वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो इन मंत्रों के माध्यम से और भगवान की पूजा के माध्यम से हम अपने आप को बड़ा ही शांत रख सकते हैं। एक मेरा सवाल ये था कि कुछ लोग हैं, या मैं यूँ कह लूँ कि जो वर्किंग है, कुछ पूजा या व्रत नहीं कर पाते, उनके लिए कुछ ऐसे कि अगर वो दिन के 5 मिनट भी निकाल लें तो कुछ ऐसी पूजा, कुछ ऐसा मंत्र कि जो लोग नहीं, व्रत नहीं कर पाते या कुछ पूजा अर्चना नहीं कर पाते, उनके लिए कुछ खास ऐसी बातें। श्रावण के महीने में एकमात्र चीज़ ऐसी है भगवान के लिए, बिल्वपत्र। कुछ नहीं कर सकते तो भगवान को 5 बिल्वपत्र चढ़ा करके चले जाओ। 5 बिल्वपत्र 5 बार ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलते हुए आप भगवान की अर्चना कर सकते हैं। ये सबसे छोटा और अच्छा उपाय है। तो सबसे छोटा और सबसे अच्छा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्रत नहीं कर पाते, पूजा नहीं कर पाते, काम में इतना बिजी होते हैं कि आज की जो कह सकते हैं कि जो हमारा शेड्यूल है वो इतना बिजी होता है कि हम पूजा और अर्चना नहीं कर पाते। तो सिर्फ एक बेलपत्र, यानी कि 5 बेलपत्र अगर आप शिव को चढ़ाते हैं और ओम नमः शिवाय एक छोटे से मंत्र का उच्चारण करते हैं तो जो शिव जी की कृपा है वो आप पर बनी रहती है। तो हमने आपको बताया कि शिवरात्रि आप भगवान शिव को कैसे खुश कर सकते हैं, कैसे उनकी पूजा विधि विधान से कर सकते हैं, ताकि जो शिव शंकर हैं, यानी कि जिन्हें कहा जाता है कि ये भोलेनाथ हैं और इनकी कृपा जिस पर पड़ती है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उनकी पूजा आप करके अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो इस शिवरात्रि आप भी जाएं मंदिर में और थोड़ा सा वक्त निकाल कर शिव भोले भगवान की विधि विधान से पूजा कीजिए और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। इसी के साथ शिवरात्रि पे ये था हमारा खास कार्यक्रम। आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।